एक ओर गिरता तापमान परेशानी खड़ी कर रहा है तो दूसरी ओर प्रदूषण का जहर जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सोचिए, दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर लगातार बना हुआ है। दिल्ली के आसमान पर छाए ये धुंध डरा रहा है। राजधानी की आबोहवा में प्रदूषण का जहर लगातार फैल रहा है। दिल्ली एनसीआर के लोग न चाहकर भी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर। एक तरफ कड़ाके की सर्दी ने जीना मुहाल कर रखा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का खतरनाक स्तर टेंशन दे रहा है। दिल्ली की हवा 20 दिन बाद फिर दमघोटू हो गई है। दिल्ली का AQI 399 रिकॉर्ड किया गया है, मतलब तय मानकों से करीब 4 गुना ज्यादा प्रदूषण। आप तस्वीरें देखिए, ये राजघाट के समीप की तस्वीर है, रिंग रोड के पास की, और आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। यहाँ आपको सफ़ेद स्मॉग और जो फॉग है उसकी चादर नज़र आ रही होगी, यानी कि दिल्ली वालों की स्थिति फिर खराब होने लगी है। पॉल्यूशन के लिहाज से बेहद खराब स्थिति में दिल्ली वाले इस वक्त सांस ले रहे हैं। ऊपर से बढ़ती सर्दी, ओमिक्रॉन का खतरा, यानी अगर घर से निकलें तो फिर संभल कर निकले, वरना आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में लगातार पारा लुढ़क रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में प्रदूषण के साथ साथ घना कोहरा भी नजर आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की सुस्त रफ्तार के चलते प्रदूषण खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली के अंदर सर्दी के साथ साथ जो है प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं दोहरी मार जो है दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। कोहरा भी है, विजिबिलिटी पावर जो है वो भी 100 से 200 मीटर की जो है वो आकी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से जो है प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली के अंदर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा का तो प्रदूषण से और बुरा हाल है। नोएडा में AQI 507 दर्ज किया गया है, जो काफी खतरनाक है। तस्वीरें देख सकते हैं कितनी धुंध जो है वो हवा में छाई हुई है, और विजिबिलिटी आज 200 मीटर के आसपास नोएडा में देखने को मिल रही है। हवा की जो श्रेणी है वो बेहद खराब दिल्ली एनसीआर में होती हुई दिख रही है, और नोएडा की अगर बात की जाए तो दिवाली के बाद से इसी तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। दिल्ली में इस बार दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का जहर नजर आ रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं लेकिन आसमान पर छाई धुंध छटने का नाम नहीं ले रही। News Nation.